गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी है मॉर्निंग का टाइम और मैं जा रही हूँ ऑफिस कल शाम का, और मॉर्निंग का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। शाम को तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो सिर्फ वीडियो अपलोड की है, और उसके बाद अपना जो है काम कम किया बस, और सो गई थी मैं टाइम से, क्योंकि कुछ सफ़र करके ना वैसे ही तबीयत ख़राब हो जाती है। तो आज मैं पूरा ब्लॉग शूट करूँगी, और सुबह का भी नहीं किया क्योंकि सुबह जो है ना सुबह कुछ काम कुम करते लेट हो गई, तो ऑफिस भी जाना होता है आपको पता ही है, फिर सुबह सुबह कभी टाइम लगता है तो मैं कैमरा ऑन कर देती हूँ, नहीं टाइम लगता तो मैं कैमरा ऑन नहीं करती हूँ। तो बस अभी बारिश लगी हुई है, मैं बारिश में भी जा रही हूँ घर, सॉरी ऑफिस, और कपड़े जो है वो गीले हो चुके हैं, जाके सुखाने पड़ेंगे थोड़े से। बस अब यहाँ बारिश ही लगी रहेगी, और अब आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हिमाचल जो है अभी आप बरसातों में ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि अब देख ही रहे हो कि कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अभी कल एक किन्नौर का जो एक लैंडस्लाइड का वो हुआ है तो कितने लोग उसमें मर गए हैं, 9 की खबर आई थी उस टाइम पे, मैंने वो वीडियो देखा तो मुझे बहुत मतलब इतना पूरा फील हुआ कि अब आप लोग आते हो हिमाचल घूमने के लिए एंजॉय करने के लिए, लेकिन बस रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सर्दियों में आओ या गर्मियों में आओ, इस टाइम पर मत आओ, बरसातों में मत आओ, पहले जान है तो जहान है। और तो यही है बस मेरे से कि अब आप जब भी आना चाहें तो आप बरसातों को छोड़ के जब मर्जी आइए, क्योंकि पहाड़ है तो पहाड़ों का आप समझ ही सकते हैं कि कच्चे पहाड़ होते हैं, मिट्टी के पहाड़ होते हैं, तो नेचुरली है कि जब इतनी बारिशें होती हैं तो फिर, और कंटिन्यू यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि 10-10, 15-15 दिन लगातार बारिश होती है, तो आप समझ सकते हो कि कहीं भी कुछ भी पहाड़ कहीं से भी आ सकता है। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे दिन में, और बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, चलिए फिर बाय बाय। कितने पैकेट लाए हो? 3। भूल गई भूल गई लड़की भूल गई क्या भूल गई? तो यहाँ बन रहा है आज दिन में, ठंडा था मौसम तो बच्चों का मन था खाने का हलवा, तो मैंने घी डाला है इसमें, और घी को जो है अच्छे से गरम करके, थोड़ा सा ही बचा था एक्चुअली घी ना, तो बस ये उतना ही डाला है इसमें। साथ में जो है मैं डालूँगी सूजी, 2 चम्मच सूजी के डालूँगी, और साथ में जो है 2 ही चम्मच मैं बेसन के डालूँगी। ये अगर आप बनाते हो, कभी बनाए आप ऐसे सूजी और बेसन को मिक्स करके, बहुत टेस्टी बनता है और खाना चाहिए सर्दियों में, और या फिर बरसातों में तो नहीं खाना चाहिए, कम ही खाना चाहिए, लेकिन बारिश हो तो कुछ नहीं होता है, चल पड़ता है बीच में। तो आज बच्चों ने बनाई थी साथ में मैगी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ये भी बना देती हूँ। कल बनाया था तो कल सिर्फ प्रसाद के लिए बनाया था, और वो प्रसाद आपको पता ही है कितना कितना आता है सबके हिस्से में, तो बस आज मैंने ये बनाया, और इसको जो है मैं अच्छे से भून लूँगी जितना मीठे सेक पे भून सकें, और मैंने इसको 10-1 मिनट भूना था, उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के पकाया है। उसके बाद जब ये थोड़ा सा पकना शुरू हो गया तो फिर मैंने क्या है कि दूध डाल दिया इसमें। उसके बाद दूध से क्या होता है कि एक तो आपको जैसे खोए का फ्लेवर आ जाता है साथ साथ ही, ये देखिए मैंने इसमें दूध डाल दिया, और दूध जो है मेरा फुल क्रीम दूध है, और बस इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी यहाँ पे, और जो इसमें ताकि लम्स वगैरह ना बने, और इसको अच्छे से भून के अच्छे से पका के, और साथ साथ जो है मैं इसमें चीनी ऐड कर दूँगी। आज मैंने शक्कर नहीं डाली थी इसमें, मैंने चीनी ही डाली थी,
क्योंकि शक्कर जो है वो थोड़ी ही बची थी चाय के लायक, तो फिर मैंने कहा रहने देती हूँ, फिर चाय भी पीनी होती है तो चाय मुझे जो है वो शक्कर वाली ही पसंद है। तो बस यहाँ चीनी डाल के मैं इसको अच्छे से पकाऊँगी जब तक ये अच्छे से दूध सूख नहीं जाएगा तब तक। और साथ में जो है मैंने खोए की बर्फ़ी थी पड़ी हुई, ये लेके आए थे कल, तो थोड़ी सी वो ऐड कर दी। फ्लेवर के लिए होता है ये, आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं। मैं फ़्लेवर के लिए अगर मेरे पास होती है तो मैं डाल देती हूँ। इससे अगर आप कभी डालोगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसका टेस्ट ही कुछ और आता है। मैंने ज़्यादा नहीं डाला था, सिर्फ 2 पीस डाले थे क्योंकि मीठा वैसे ही बहुत ज़्यादा हो गया था। चीनी मैंने डाली थी इसके ही अकॉर्डिंग कि जो जितना मैंने क्वांटिटी में ये सामान डाला है उसके हिसाब से चीनी डाली थी। और बस इसको जो है तेज़ आंच पे नहीं, इसको सिर्फ मीठे मीठे सेक पे पकने देना होता है। और बस यही था हेलो जी। हेलो जी, वापस आ गए हैं भैया वो हम, और मेरी बता रहा है। टिकट्स मम्मी हाँ मम्मी हाँ मम्मी ये रखो, ये हाथ हटाना मुझे देखने तो दे। मैंने सारे लक्ष्मी लगाए लक्षदीप है ये। और ये सारे हमको नहीं मैं हाँ, तो कल मैथ का है कल पेपर। हाँ तेरे को आता है, तू बड़ा तेज है। वैसे भी घास उगी हुई, कहीं नहीं जाना, मौसम भी ऐसे ही है। सांप निकलते हैं आजकल, सांप निकलते हैं मैंने बोला। हाँ आजकल यहाँ ना बाहर वो बड़ा ज्यादा घास वगैरह हुआ हुआ है तो पता नहीं होता सांप निकलते हैं, कोई काट कूट ही ले। वैसे फिर यहाँ वैसे ही नाग बहुत ज्यादा होते हैं। उसको समझ ही नहीं आता कि क्यों मना कर रही है मम्मी। स्नेक होते हैं बेटा निकले हुए, क्या करेगा? मैं जयमाती कर रही हूँ फिलहाल, तूने भी करनी है, तूने भी जयमाती करनी है। मेरे को खेल लाना, जयमाती नहीं करनी है। जयमाती नहीं करनी मुझे खेलने जाना। सब लोग हंसते हैं, बोले क्या 24 घंटे टाया 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 लगा रखता है। जयमाती को मना कर रहा है कि मेरे को जाय नहीं करनी, ये नहीं पता कि भगवान जी कितना गुस्सा करते हैं। किसके साथ आया हुआ है सक्षम है? इसको ना टाइगर के बारे डर लगता है। वो देख गिरा खा रहा है प्रसाद को, ले बेटा ले हाँ चकले 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 पैर मल गड़ा। वो भी पीछे भी आएगा, वो पीछे पीछे तेरे उधर बोला हाँ ना, इसको नहीं पता चलता ना। बस 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 वो फिर तेरा भी गिर गया वो देख उन्हें कैसे करके खाया। और तो नहीं तुम्हारे साथ कोई दूध ला रही? मर जा ये कल वाला प्रसाद था जो हम मंदिर गए थे ना, वहाँ वाला प्रसाद था। मैं बच्चन बच्चों को दे दूँ। और अब देखो आज गाय का दूध नहीं आया, भैंस का दूध आया। दूध से ही पता चल जाता है दूध को देख के कि ये वाइट वाइट जो मलाई आती है ना
अगर गाय का दूध होगा तो येलो मलाई होती है और हम गाय का ही पीते हैं। तो ये पता नहीं भैया के पास बोल भी रहे थे कि अब आप अपने दूध का मतलब दूध का कहीं इंतजाम कर लो, क्योंकि उनकी जो गाय है उसने दूध देना बंद कर दिया है। शायद बेचारे भैंस का ही दे रहे होंगे, क्या करना मजबूरी है, कुछ बोल तो सकते नहीं। तो ये चक्कर है। तो ये है जी मलाई, एक हफ्ते भी अब इसको क्या करेंगे ना, इसको अभी छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, ढक के रख देती हूँ और इसको फ्री टाइम में बना दूँगी, घी बनाएंगे इसका। और लाइट भी चली गई है, ये प्रसाद है जो मैंने बच्चों को दिया ना अभी। मुझे तो, मैं छोटी होती थी तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता था प्रसाद, मैं तो बहुत खाती थी, बहुत ज़्यादा। मतलब हमारे तो घर के साथ वहाँ पे मंदिर है माता रानी का, तो हम वहाँ जाते रहते थे। और बच्चे होते हैं कैसे हैं, बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं ना। तो प्रसाद, बच्चे हैं नहीं घर पे, मतलब बच्चे क्या सोनी भी नहीं है और गुगी भी नहीं है, वो गए आज अपनी उधर बूजी के घर। और हंसी है बाहर, उसका आपको शोर सुनाई दे रहा होगा, दूध पी रहा है, खेल भी रहा है और पेपर लगे हैं, पढ़ता है नहीं, उसको बोल ही पढ़ ले थोड़ी देर। और मलाई मैंने रख दी है, अब मैं सोचती हूँ शाम को क्या बनाऊँ। दही पड़ी है तो कढ़ी बना लेते हैं थोड़ी सी, सब्जी है पड़ी आलू न्यूट्री सुबह की ना, सुबह मैंने आलू न्यूट्री बनाई थी, आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था। अब मैं सोच रही हूँ कढ़ी बनाती हूँ, क्योंकि कढ़ी हंसी भी खुश होकर खा लेता है। थोड़े से पकौड़े वाली कढ़ी बनाती हूँ आपके साथ, वो शेयर करती हूँ आज। और उसके बाद हंसी को पढ़ाना भी है, इसका पेपर है कल मैथ का, देखो कितना मस्त हुआ बाहर। तो यहाँ जो है बन रही है कढ़ी के लिए तैयारी हो रही है। तो मैं पकोड़े बनाने थे, पहले तो मैंने प्याज इसमें काट दिए हैं और इसके बाद डालूँगी मैं कढ़ाई में, तेल डाल दूँगी साथ साथ गर्म करने को। तो इसके बाद जो है तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा जब तक को मैंने इसका मसाला मिक्स करना है। तो प्याज डालने के बाद मैंने इसमें बेसन डाला और साथ में जो है नमक और थोड़ा सा गर्म मसाला डाल दिया। उसके बाद अब क्या है कि इसको मैं दही से ही फेंट के वो कर दूँगी, दही से ही इसको मिक्स करूँगी अच्छे से। ये देखिए मैं इसमें नमक डाल रही हूँ थोड़ी सी, मैंने इसमें मेथी पाउडर डाला था। और ये देखिए दही डाली है इसको मैं मैश करने के लिए। और इसके बाद इसके पकोड़े बना के मैं तल लूँगी ये सारे के सारे। पकौड़े वाली कढ़ी वैसे बहुत अच्छी लगती है। हम संडे को मेरे मायके में हम क्या करते थे कि मम्मी संडे को कढ़ी ही बनाती थी, मामा जी के घर से हम लस्सी लेके आते थे और मम्मी ने संडे स्पेशल हमारा कढ़ी होता था या फिर नमकीन चावल होते थे। तो यहाँ जो है यहाँ पे बस पकोड़े मेरे तल गए हैं। और ऐसा होता था मम्मी पकोड़े तल रही होती थी और हम बस ले लेके खा रहे होते थे, तो कभी कभी डांट भी पड़ती थी कि कढ़ी में क्या डालना है, तुम लोगों ने पहले ही खा लेने सारे। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे हो गए हैं और एक दो मैंने वैसे ही टेस्ट कर लिए थे, आता है ना थोड़ा सा बचपन वाला टाइम याद आ जाता है। और साथ साथ जो है मैंने दही में जो बेसन थोड़ा सा फेंटा था, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा डालो तो फिर कढ़ी जो है बहुत गाढ़ी हो जाती है। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, यहीं पर इसमें नमक भी ऐड कर दूँगी थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ मैंने तेल में दालचीनी और कड़ी पत्ता, कस्तूरी मेथी पाउडर है, कस्तूरी मेथी है, फिर जीरा धनिया अजवाइन ये सब डाल लिया है। और प्याज डाले हैं इसमें बड़े बड़े काट के और लाल मिर्च डाली है सूखी। और ये जो मैंने पेस्ट बनाया हुआ था ना ये इसमें डाल दिया है। अब इसको दही को उतना ही चलाना है जितना कि ये इसमें उबाल आ जाए। उबालने के बाद इसमें पकौड़े ऐड कर देने हैं। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आप सबको पसंद आया है। पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, नए आते हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और मिलते हैं कल आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।